राज्य सरकार ने देर रात 3 IAS, 3 IPS और 165 RAs अधिकारियों के तबादले कर दिए। इसमें सरकार ने चुरू और डीरवाना कुचामन SP को बदला गया। अब IPS अजय यादव को चुरू SP और IPS राजेंद्र कुमार मीना को डीरवाना कुचामन SP बनाया गया। वहीं IPS मोनिका सेन का ट्रांसफर जयपुर कमिश्नरेट में DCP मुख्यालय के पद पर किया गया। इसी तरह से 3 IAS के भी तबादले हुए हैं। IAS राहुल जैन अब उदयपुर विकास प्राधिकरण के कमिश्नर होंगे। वहीं IAS दिग्दे स्नेहल नाना सचिव UIT अलवर और IAS मोहम्मद जुनैद PP को वित्त विभाग में संयुक्त शासन सचिव के पद पर लगाया गया है। सरकार ने 165 RAs अधिकारियों का भी तबादला किया। 11 जिलों में ADM बदले हैं। वहीं कई विभागों में भी RAs अधिकारियों को बदल दिया है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSG रहे RAs अधिकारी देवाराम सैनी का फिर से तबादला कर दिया गया। सरकार बदलने के साथ ही उनको APO किया गया था। फिर उन्हें बांसवाड़ा में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के पद पर लगाया गया, लेकिन अब एक बार फिर 25 दिन में ही उनका फिर से ट्रांसफर करके कृषि विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार लगाया गया। देवाराम सैनी पिछले 15 साल से अशोक गहलोत के साथ जुड़े थे। तबादला लिस्ट में RAs ब्रजेश कुमार चांदोलिया का भी ट्रांसफर कर दिया गया। उन्हें अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के पद पर भेजा गया। 3 दिन पहले 22 फरवरी को उन्हें पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के में निदेशक बनाया गया था, लेकिन इसी दिन पुरातत्व संग्रहालय विभाग ने आमिर अधीक्षक पंकज धरेंद्र को निदेशक बनाने के आदेश जारी कर दिए। उसके बाद पुरातत्व विभाग में से लेकर विवाद हो गया। चांदोलिया के पहले इस पद पर ज्वाइन करने में पंकज धरेंद्र ज्वाइन नहीं कर पाए। अमूमन निदेशक के पद पर RAs अधिकारी को ही लगाया जाता है, लेकिन इस बार पुरातत्व विभाग के अधिकारी को इस पद पर लगाया गया। जानकारों का मानना है कि पर्यटन मंत्री दिया कुमारी चाहती थी कि निदेशक के पद पर विभाग के अधिकारी को ही मौका दिया जाए। पंकज धरेंद्र लंबे समय से आमेर महल के अधीक्षक का पद संभाल रहे थे।